गाइस कुछ मिनटों में मेरी फ़्लाइट है, पीछे देख सकते हो एयरपोर्ट है, मुझे दूसरे गेट पे जाना है। फिर भी मैंने सोचा कि यार काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, अभी जितना वीडियो हो सकता है मैं बना के तुरंत तुरंत डालता हूँ। एक वीडियो मैंने डाल दिया अभी अबाउट द कॉलेज एडमिशन अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यार। 5 लाख से ज़्यादा रैंक वाले बस अप्रोच करना ताकि थोड़ा सा हो पाए कुछ, बाकी तो आप लोग को अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, प्रेफर्ड ब्रांच भी मिल रहे होंगे। बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट NIRF स्कैम। काफ़ी लोग यार कॉलेज अपना चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन NIRF रैंकिंग। यार बस एक क्राइटेरिया को कैसे आप देख सकते हो फॉर योर कॉलेज एडमिशन? कॉलेज चूज़ आप कर लेते हो, NIRF रैंकिंग अच्छा है तो चलिए हम इसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। NIRF रैंकिंग के पीछे कितना झोल होता है आपको एक बार समझना पड़ेगा यार, कि NIRF रैंकिंग मतलब सही चीज़ नहीं दिखाता है, डिपेक्ट नहीं करता है। किसी कॉलेज का NIRF रैंकिंग सपोज 20 है और एक का 40 है, इट डजंट मीन कि जो 20 वाला है वो 40 से अच्छा है। तो इसीलिए आप लोग को मैं कहूँगा यार बस NIRF रैंकिंग के बेसिस पे मत करो एडमिशन, बहुत सारे फैक्टर्स को देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेसमेंट को देखो, उनके फैकल्टीज़ को देखो, उनके एलुमनाई नेटवर्क को देखो, उनके इंटर्नशिप को देखो, कितना स्टाइपेंड मिल रहा है देखो, बहुत सारी चीज़ों को देख के आपको डिसीजन लेना चाहिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं हमको ये अवार्ड मिला है, वो अवार्ड, अरे अवार्ड सारे काफ़ी लोगों के फेक भी होते हैं और पेड वाले अवार्ड्स होते हैं, मतलब इंटरनली कुछ सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से, अभी तो मैं खुल के बता नहीं सकता, आई नो द सिस्टम्स, आई नो हाउ देर अचीव दोज अवार्ड्स। कुछ जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, वो आपको न्यूज़ आर्टिकल्स पे मिल जाएंगे, उनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बट ओनली वेबसाइट पे देख के भरोसा मत करना। और जो प्लेसमेंट होता है, ठीक है कुछ कॉलेजेस के करोड़ों में पैकेजेस हैं, प्लेसमेंट हैं, जेन्युइन है, बट करोड़ों के पैकेजेस का भी आपको असलियत थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। असलियत यह है कि उनका CTC ब्रेकडाउन जब आप करोगे इन हैंड कम आता है, फिर भी नॉर्मल एवरेज पैकेजेस से ज़्यादा ही आता है, वो एक चीज़ है। तो आप बस नंबर्स देख के डोंट फाइनलाइज योर कॉलेज। कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ लोकेशन, आपके घर से कितना दूर है, आप प्रेफर कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ज़्यादा दूर है तो आपको जाके हॉस्टल में स्टे करना पड़ेगा, बट अगर आसपास है, घर के आसपास है, तो व्हाट यू कैन डू, ट्रैवल करके जा सकते हो आ सकते हो, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ फ़ी स्ट्रक्चर। कुछ कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगे होते हैं, मतलब एक साल का 5-5 लाख फीस, तो सोचो 4 साल इंजीनियरिंग करते हो, 5 × 4 इज 20 लाख, सो यू हैव टू पे 20 लाख फॉर ओनली 4 ईयर्स यार, 20 लाख रुपये सोचो। बाकी अगर 2.5 लाख में कर देते तो 2.5 × 4 इज 10 लाख, 10 लाख में आपका इंजीनियरिंग हो जाता, और एवरेज आज के डेट में वही 2.5 से 3 के बीच में चल रहा है, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड फूड, एवरीथिंग इंक्लूड है, 10 से 12 लाख में हो जाएगा, 3 लाख मतलब 12 लाख हो जाएगा। और उसके अलावा चेक द ब्रांच, ब्रांच भी अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा, उस ब्रांच का उस कॉलेज में कैसा डिमांड है, कट ऑफ जो है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, उसका हेल्प लो, दैट विल हेल्प यू मोर। क्योंकि अगर कट ऑफ रैंक ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से 30 हज़ार रैंक चाहिए JEE में, और एक कॉलेज है जिसका NIRF रैंकिंग अच्छा है बट कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए यू नीड अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख, तो सोचो यार वहाँ पे कोई प्रेफर नहीं कर रहा है, वो पीछे है, इसीलिए तो 1 लाख से 1.5 लाख है, डिमांड ज़्यादा है इसीलिए रैंक वो अच्छे मार्क्स वाले कंसिडर कर रहे हैं। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लंबा डिटेल वीडियो आईपैड स्क्रीन शेयर करके बहुत जल्दी मैं बनाऊँगा, अभी हड़बड़ी में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम मेकिंग बस ऐसे ही वीडियोस। थंबनेल भी डाल पाऊँगा नहीं डाल पाऊँगा आई डोंट नो, बट वीडियो बनाना था मुझे, एक सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं आ रहा था कि यार काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था, और आगे भी मैं ऐसे कंटिन्यूस वीडियो बनाऊंगा, आप सभी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूंगा। NIRF अभी 23 का रिजल्ट आया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, काफ़ी लोग वही 23 रिजल्ट देख के अरे भाई ये रैंक बहुत अच्छा है, ये कॉलेज हम प्रेफर कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा को फिर कन्विंस करना शुरू कर देते हैं कि पापा आपको पता है ये कॉलेज का रैंक इतना अच्छा है, चलिए यहीं पर एडमिशन ले लेते हैं। भले बाकी चीज़ कैसा भी हो, उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़, को स्कॉलरस्टिक एक्टिविटीज़ हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे करके लेते हैं यार, ऐसे गलती मत करो। वैसे मेरा फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, फिर फाइनल कॉल आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, आई नीड टू गो नाउ, और 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बन गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अच्छी बात है। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
मिल रहे होंगे हम लोग अगले वीडियो में. तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.